नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश शर्मा और आप देख रहे हैं एवरी नीड। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे मनरेगा पोर्टल पर हर जॉब कार्डधारी सदस्य का जो मोबाइल नंबर दर्ज किया जाना है उसका ऑप्शन कौन सा है, यूज करेंगे हम उसके लिए, कहां से मोबाइल नंबर दर्ज किया जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों ये भी हम जानेंगे इसमें कि जो मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद इसकी रिपोर्ट हम कौन से ऑप्शन से जाके चेक करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए दोस्तों, मैंने मनरेगा पोर्टल अपने ग्राम पंचायत के आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे आपको D1 में रजिस्ट्रेशन एंड जॉब कार्ड में जाना है। इसके बाद यहाँ पे ये नीचे देखिए edit/delete मोबाइल नंबर ऑफ वर्कर्स, यहाँ से हमको दोस्तों मोबाइल नंबर हर जॉब कार्डधारी सदस्य का फीड करना है। यहाँ से हम ब्लेस सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले ब्लेस सेलेक्ट करने के बाद हमारे सारे जो जितने जॉब कार्डधारी हैं सारी लिस्ट यहाँ पे खुलेगी। अब इसमें आप चाहें तो एक एक करके भी जॉब कार्ड सेलेक्ट करके और उनके मोबाइल नंबर यहाँ से डाल सकते हैं, या चाहें आप तो एक साथ भी आप पूरी लिस्ट यहाँ पे खुल जाएगी। जैसे ऑल पे आप क्लिक करेंगे तो सभी सदस्यों के एक एक पेज पर 10 लोगों के नाम देखेंगे। इस तरह से आप यहाँ से भी आप डायरेक्ट डाल के मोबाइल नंबर जिसका डालना उसको एंटर करके यहाँ पर टिक लगा के उसको अपडेट कर देना तो यहाँ से अपडेट हो जाएगा। या फिर एक एक करके डालना हो तो एक एक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। या आपने पूरी लिस्ट खोल ली हो और मान लीजिए यहाँ से आपको अलग से भी सर्च करने का ऑप्शन दे रखा है तो यहाँ से भी आप आईडी नंबर डाल के फैमिली आईडी मतलब जॉब कार्ड नंबर डाल के सदस्य को सर्च कर सकते हैं। जैसे आप उदाहरण के लिए मान लीजिए मुझे लिस्ट में से नहीं करना है, मुझे मान लीजिए 13 नंबर का एक जॉब कार्ड है, 13 यहाँ पर टाइप किया, यहाँ पर सर्च का ऑप्शन आ रहा है तो ये 13 नंबर का जॉब कार्ड खुल जाएगा। अब यहाँ पर मुझे इसका मोबाइल नंबर डालना है, मान लीजिए दोनों सदस्यों के मुझे एक ही नंबर है इनके पास, एक ही मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पर डाल दिया है। आप इसको पेस्ट भी कर सकते हैं कहीं से उठा के या फिर डायरेक्ट आप इसको टाइप भी कर सकते हैं। इसके अलावा टिक टू एडिट, यहाँ से आपको इसको सभी को टिक लगाना है किस किस के आप इनके मोबाइल नंबर अपडेट कर रहे हैं। यहाँ से आप इसको अपडेट पर आप क्लिक कर देंगे तो ये आपका जो मोबाइल नंबर दर्ज करने की प्रोसेस है इस सदस्य की मतलब इस जॉब कार्ड में दोनों सदस्यों की कम्प्लीट हो चुकी है। इस तरह से दोस्तों आपके सभी जॉब कार्डों के सभी सदस्यों के मोबाइल नंबर यहाँ पे मनरेगा के पोर्टल में जॉब कार्ड में एंटर करना है। यही है छोटी सी प्रोसेस। अब इसके अलावा दोस्तों हम देख लेते हैं इसकी रिपोर्ट हम कहाँ से चेक करेंगे। मनरेगा का जो MIS वाला ऑप्शन है वो मैंने खोल रखा है। यहाँ पे आप देखिए R1.1.8 यहाँ पे दिख रहा है आपको स्टेटस ऑफ मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन ऑफ वर्कर, यहाँ से जाके आप इसको आपकी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं कि जिले में या ब्लॉक में या ग्राम पंचायत में कितने जॉब कार्डधारी सदस्यों के हमने मोबाइल नंबर एंटर किए हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।